Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. So today I'm going to start the topic of class 11, chapter number 10, straight lines. So I'm talking about various forms of equations of lines, how to find out the equations of lines in various forms when the various conditions are given, when slope is given, when two points are given. So we will discuss today how to find out the equation of line in various forms. Although you have read about the straight lines in class 10th also, सबको पता है कि स्ट्रेट लाइंस की जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन के बारे में आप क्लास टेंथ में पढ़ के आए हो कि आपको सिर्फ पता है कि इस टाइप की क्वेश्चन को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। बट अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम इसमें सीखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग कंडीशन में हम इक्वेशंस ऑफ लाइंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी नाउ। सो स्टूडेंट्स, now we are going to introduce the various forms of equations of line one by one, as this topic is very important for exercise 10.2. without understanding this concept you are not able to understand exercise 10.2. so the first form of equation of line is horizontal line. name se pata chal raha hai, horizontal line means koi bhi aisi line horizontal hoti hai its direction mein, and vertical means इस डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं तो ये हमेशा हमारी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, या तो ये ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, मीन्स या तो ओरिजिन से अबव या फिर ओरिजिन से बिलो। तो ये हमारी लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो सपोज अगर मैं इसका डिस्टेंस ए यूनिट्स ले लेती हूँ, यहाँ ओरिजिन से ए यूनिट्स है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए। और ये क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रही है, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जनरल सी नॉलेज है, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट में आपको पॉइंट और स्लोप वगैरह का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी पैरेलल टू x एक्सिस जाती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू, इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। और जब भी ये पैरेलल होगी x एक्सिस के तो इट इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमारी वो कौन सी होगी, इज या तो y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस ए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी लाइन होती है, कोई भी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, तो हम वो हमेशा देखते हैं कि वो कैसे लाइन होती है, वर्टिकल बनती है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल है इट मीन्स या तो वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या फिर वो x की नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो सीधी सी बात बोले कि वो y एक्सिस की या तो राइट में लाई करेगी या फिर लेफ्ट में लाई करेगी। अगर तो वो राइट में लाई करती है तो यहाँ पे मुझे पता है x की सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव। तो अगर मैं ये डिस्टेंस b मान लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू b। और अगर ये नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रही है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस b। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे वहाँ से हम इसी को कोरिलेट कर सकते हैं, ये पैरेलल थी x एक्सिस के, तो बस हम यहाँ लिख देंगे कि इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये पैरेलल होगा y एक्सिस के तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी वो किस टाइप की हो जाएगी, या तो हमारी x इज इक्वल टू बी जाएगी या x इज इक्वल टू माइनस बी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द लाइन लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस और इट इज लाइंग ऑन द राइट ऑफ y एक्सिस। प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़े ही दो फॉर्म्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। जो हमारी नेक्स्ट फॉर्म है वो क्या है, हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेम से पता चल रहा है, पॉइंट मीन्स आपको एक पॉइंट गिवन होगा जहाँ से लाइन पास कर रही होगी। ऑलवेज यू हैव गिवन वन पॉइंट वेयर द लाइन इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, एंड स्लोप इज गिवन, दैट मीन्स द स्लोप ऑफ दैट लाइन इज गिवन। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है इसको लाइन एल सपोज कर लेते हैं, ये हमारी लाइन एल है। अब ये लाइन जो है ये इस पी पॉइंट से पास कर रही है, मैंने इसकी इक्वेशन निकालनी है और यहाँ पे मुझे स्लोप गिवन होगा क्वेश्चन में, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म है, दैट मीन्स एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होगा। अब स्लोप निकालने के लिए मैं एक इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या करा है, इस लाइन के ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेना है पी एक्स कॉमा वाई। तो ले लेंगे लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन लाइन।
तो आपने जब भी लाइन की क्वेश्चन निकालने तो एक फिक्स्ड पॉइंट तो मान के चलोगे उस पर, और ये जो लाइन है ये हम ए ले लेते हैं, ये हमारी जो लाइन है किस पॉइंट से पास कर रही है, ए पॉइंट से, इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ए पॉइंट हमारा इसमें क्या है, एक्स नोड वाई नोड। अगर यहाँ से मुझे स्लोप निकालनी हो तो स्लोप अगर मुझे पता है कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला, अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो ये आपने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा हुआ है। सो दोस्त हु हैव नॉट वॉच माई प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, प्लीज़ क्लिक ऑन द आई डिस्क्रिप्शन, यू कैन गेट द लिंक ओवर देयर, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा स्लोप हम कैसे निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे डालते हैं तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सो यहाँ पे वाई टू है मेरा वाई और वाई वन है मेरा वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। करना क्या है, बस आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स एम की वैल्यू क्या है, वाई माइनस वाई नोड अपॉन एक्स माइनस एक्स नोड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वाई माइनस वाई नोड इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नोड आ जाएगा। तो यही आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, देख सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो, तो आपने सिर्फ क्या करना है, उस पॉइंट में एक्स नोड वाई नोड की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है और जो एम की वैल्यू गिवन है वो डाल देना है, वहाँ से आपकी सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन सॉर्ट आउट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ, जैसे अगर कोई लाइन है वो पास कर रहा है 1.1 से और उसका स्लोप है 2, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे x नॉट भी 1 है और y नॉट भी 1 है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस y और माइनस 1 जाके प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका एग्जांपल है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं सो दैट आपको एग्जामिनेशन तक पता रहे, याद रहे कि कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारी फोर्थ फॉर्म है, दैट इज़ टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब आपको हमेशा दो पॉइंट्स दे रखे होंगे जहाँ से एक पर्टिकुलर लाइन पास कर रही होगी। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो मेरी लाइन है ये एक्चुअल में दो पॉइंट्स ए और बी से पास कर रही है, ये रहा ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ए पॉइंट यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक्स वन वाई वन, और बी पॉइंट क्या लिया हुआ हमने, एक्स टू वाई टू। फिर जैसा कि हमें यहाँ पे भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने वहाँ पे भी पी पॉइंट एक्स और वाई एक फिक्स्ड पॉइंट लिया था, सेम यहाँ पे भी मैंने एक पी पॉइंट फिक्स्ड कर लिया है एक्स वाई। अब मैं क्या करूँगी, जैसे यहाँ पे स्लोप की इक्वेशन से मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट की, सेम स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा के मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए पी भी कैसे पॉइंट्स हैं, मेरे कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स से अगर मैं देखती हूँ, तो अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ ए और पी पॉइंट से, तो वो किसके इक्वल होगी, स्लोप फ्रॉम द पॉइंट ए बी, क्योंकि ये एक ही लाइन है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालो या फिर ए और बी से निकालो, सेम ही बात है क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं कि यहाँ से स्लोप ऑफ ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल। क्लियर है, क्योंकि एक ही लाइन है। अब मैं स्लोप का फॉर्मूला यही होता है फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो यहाँ पे वाई टू है मेरा वाई और वाई वन है मेरा वाई वन ही है अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए बी का स्लोप क्या है, ए बी के लिए आप देखिए यहाँ पे पॉइंट वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो ये आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो यहाँ से ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, बस ये डिवीजन में है, इसको वहाँ जाके मल्टीप्लीकेशन में भेज देंगे तो ये आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो बच्चे जो है ये फॉर्मूला लर्न करते हैं, दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। जब भी लाइन पास करेगी दो पॉइंट्स है, तो हमें क्या करना है, देख लीजिए समझ लीजिए, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू दो पॉइंट्स दे रखे होंगे, आपने सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले में एक्स वन की जगह एक्स वन वैल्यू पुट कर देनी है, वाई वन की जगह वाई वन, एक्स टू की जगह एक्स टू और वाई टू की जगह वाई टू। अगर आप इसको इससे कोरिलेट करना चाहो तो ये वही चीज़ है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको देख के आपने घबराना नहीं है, एम क्या एक्चुअल में स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना जब वो दो पॉइंट से पास कर रही हो, तो यही तो फॉर्मूला होता है y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो m को इसे रिप्लेस करेंगे तो यही तो इक्वेशन बन जाएगी, तो बहुत सिंपल है, प्लीज़ नोट डाउन।
सो स्टूडेंट्स आई होप सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स. अभी तक हमने फोर फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और उसके बाद हमने स्लोप फॉर्म की है, और उसके बाद टू पॉइंट फॉर्म करा है, स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म. नेक्स्ट जो हमारी वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप मतलब यहाँ पे लाइन का स्लोप दे रखा होगा और इंटरसेप्ट दे रखा होगा. व्हाट डू मीन बाय द मीनिंग, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई लाइन कट करती है तो वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी न किसी डिस्टेंस पे कट करती है. जैसे मैंने अभी यहाँ पे केस फर्स्ट लिया है, इंटरसेप्ट विद वाई एक्सिस. इसका मतलब ये है कि जब ये लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, और वो भी डिपेंड करता है कि कितने इंटरसेप्ट पे ओरिजिन से कितने इंटरसेप्ट मतलब कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, और वो अपवर्ड या डाउनवर्ड कर रही है ये भी चेक करना है, क्योंकि उसकी वजह से पॉइंट चेंज हो जाएगा. अगर अपवर्ड कर रहा है तो यहाँ पे वाई एक्सिस आपको पता है वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर डाउनवर्ड कर रहा होगा तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट चेंज हो जाएगा. बहुत ही सिंपल है ये, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका सारा पॉइंट स्लोप से रिलेटेड है. तो अगर आपको पता है कि ध्यान समझिए, ये लाइन हमारी y एक्सिस को c इंटरसेप्ट पे कट कर रही है, मतलब इसका ओरिजिन से y एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है c. तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, 0, c, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, और y की वैल्यू क्या है, c. यानी कि मुझे पता चल चुका है कि ये लाइन यहाँ से इस पॉइंट से पास कर रही है और इसका स्लोप m है. तो अभी आपको सबको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. तो ये y1 वन यहाँ पे क्या है, c, और m हमारा स्लोप गिवन होगा, और x1 वन यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, 0, c से. तो यहाँ से y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स, ये इक्वेशन आ गई है, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म आ गई है जब हमारी कोई भी लाइन इंटरसेप्ट बनाएगी y एक्सिस के साथ. सिमिलरली अगर हम केस सेकंड डिस्कस करें, इंटरसेप्ट विद x एक्सिस, अगर x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट दे रखा हो और स्लोप दे रखा हो, तो बिल्कुल यहीं से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर ये इंटरसेप्ट x एक्सिस के साथ बना रहा है, इसका मतलब ये x एक्सिस को कट कर रहा है किसी न किसी डिस्टेंस पे. तो यहाँ पे सी ने लेके मैंने थोड़ा सा अलग ले लिया, डी ले लिया, बी ले लो, जो मर्जी ले लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस तो पता नहीं, हालांकि आपको क्वेश्चन में दिया होगा. अब फिर से वही बात कर रही हूँ कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करे या नेगेटिव डायरेक्शन में कट करे, उसकी वजह से पॉइंट्स में चेंजेस आ जाएंगे. अब क्योंकि ये डी डिस्टेंस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स का यूनिट, एक्स का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, डी, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0. तो ये पॉइंट हमारा जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको ए पॉइंट दूँ तो ये जो है यहाँ पे लाइन जो है कहाँ से पास कर रही है, लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट, और यहाँ पे ए पॉइंट मेरा क्या है, डी कॉमा 0. इफ़ इट मेक्स इंटरसेप्ट डी विद एक्स एक्सिस, अगर ये डी यूनिट्स बना रही है इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के साथ, तो इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे. अब फिर से यही फॉर्मूला लगा देते हैं. इस फॉर्मूले में देखिए, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. तो बस यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू क्या है, डी है, और वाई वन की वैल्यू क्या है, 0 है. तो अगर मैं ये पुट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस डी. तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी. तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यही चीज़ें आपको ध्यान करनी है, प्लीज़ नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फॉर्म है वो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है. यहाँ मैंने ऑलरेडी इसका डायग्राम बना लिया है. अब इंटरसेप्ट फॉर्म, वहाँ पे थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब लाइन का स्लोप गिवन होगा और किसी ना किसी एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट दिया होगा. मतलब या तो फिर आपको एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट दिया होगा या फिर वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट दिया होगा. और इसकी रिवर्स कंडीशन पे चलते हैं, हमें स्लोप ना देके दोनों एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट दे दिया. यहाँ पे क्या दे दिया है, एक्स एक्सिस के साथ भी इंटरसेप्ट दे दिया है और वाई एक्सिस के साथ भी इंटरसेप्ट दे दिया है. तो इसको कैसे करना है देखते हैं. यहाँ पे हमारा लाइन जो है वो ए इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, बी यूनिट्स.
अब आपको पता है जैसे यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए थे, तो यहाँ पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस ए है और ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉमा जीरो, और इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा जीरो, और इसके क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा बी। तो ये देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि हमारा यहाँ पे y एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, तो यहाँ पे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अब मुझे यहाँ पे फिर से लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो अगर हम इसको कोरिलेट करें वो वाले फॉर्मूले से जहाँ पे हमें लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी हो और दो पॉइंट गिवन हो जहाँ से वो लाइन पास कर रही है, तो ये तो वही केस में हमारा चेंज हो चुका है कि हमारी जो लाइन है एक्चुअल में दिस इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स एंड टू पॉइंट्स आर गिवन। हाउ टू फाइंड आउट द फॉर्मूला, सी ये मैंने आपको फॉर्मूला वहाँ से बताया था, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू m into x minus x1, क्लियर है, यही बताया था मैंने। और m का फॉर्मूला क्या होता है, m स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, क्लियर है। तो यहाँ से ये आपकी पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म बन गई थी जो हमें आप पहली थर्ड सेकेंड केस हमने इससे पिछला फोर्थ केस जो डिस्कस किया है उसमें हमने टू पॉइंट फॉर्म डिस्कस किया वो यही है। अब यही बस आपका ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो इस इक्वेशन में सिर्फ x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, जीरो, और y2 की वैल्यू क्या है, बी, y1 की वैल्यू क्या है, जीरो, x2 की वैल्यू क्या है, जीरो, और x1 की वैल्यू क्या है, a, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, a। तो हमने क्या करा है, बस इस इक्वेशन में x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, तो हमारे पास ये आ गया है। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a इंटू x माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस a इंटू y कितना आ जाएगा, माइनस a y इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देते हैं, bx, एक्स, और b इंटू माइनस a कितना आ जाएगा, माइनस a भी, क्लियर। अब इसको x और y वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और जो ए बी वाली है उसको इधर ले आते हैं, तो दैट मीन्स अगर ये उधर जाएगा तो bx एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए भी इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा आ चुका है, लेकिन अभी जनरल फॉर्म में नहीं आया। जनरल फॉर्म में निकालने के लिए जो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सॉरी दे रखा है उसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो दोनों साइड को ए बी से, डिवाइड बाय ए बी। जब हम ए बी से डिवाइड करेंगे तो बी एक्स के नीचे भी ए बी आ जाएगा, ए वाई के नीचे भी ए बी आ जाएगा, और इधर ए बी के नीचे भी ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा, एक्स अपॉन ए, यहाँ पे ए से ए कैंसल, क्या बचेगा, वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए बी से ए बी कैंसल, क्या बचेगा, वन। तो क्या आ चुकी है इक्वेशन हमारे यहाँ से, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी डिराइव हो गई है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। तो ये आपको ध्यान रखनी है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। कभी भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा हो आपने इसको यूज कैसे करना है, जैसे अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज मेकिंग इंटरसेप्ट थ्री यूनिट्स विद एक्स एक्सिस के साथ थ्री यूनिट्स बना रही है और टू यूनिट्स विद वाई एक्सिस। तो आपको पता है सिर्फ क्या करना है, ये आपकी ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है, सिंपल इस इक्वेशन में सिर्फ पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा और आपका एक सेकंड में आंसर आ जाएगा, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन अभी आप करोगे 7.2 में तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे हम डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म लेके चलेंगे, स्लोप फॉर्म के लिए स्लोप फॉर्म लेके चलेंगे। सो यहाँ पे इसको बस ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ये आपका एग्जाम्पल दिया मैंने, डेरिवेशन यहीं तक थी आपकी इसके फॉर्मूले की, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स द लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज नॉर्मल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से समझिए इसको। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, ऐसी लाइन जो गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, वैसे इसके चार केसेस है, तो पहले हम एक केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी चारों भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे।
तो फर्स्ट केस में मैं देख सकती हूँ मेरी जो लाइन है ये एल लाइन है, मुझे इस एल लाइन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जब भी नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। एक तो क्या होगा, ये लाइन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हम यहाँ से ओरिजिन से एक डिस्टेंस बनाएंगे जो कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे पी है, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन एल किसके इक्वल है, ओ ए के, और ये हमें स्मॉल पी गिवन है, हम पी लेके चलते हैं इसमें। क्वेश्चन में आपको पी की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और साथ में क्या होगा, इसे ही हम नॉर्मल बोलते हैं। देखिए दोबारा से समझ लीजिए क्योंकि आपके 12th क्लास में भी काम आएगा। ये लाइन है, इसके साथ ये ओरिजिन से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये लाइन एक तरह से इस लाइन के ऊपर नॉर्मल का काम कर रही है। नॉर्मल ऐसी लाइन होती है जो किसी भी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो OA जो लाइन है वो L लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो OA जो है L लाइन के लिए नॉर्मल का वर्क करेगी। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दो चीज़ें जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, एक तो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, और जो नॉर्मल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है और ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम मान के चलते हैं कि हमें ये एंगल थीटा गिवन है, तो ये लिख लेते हैं एंगल विच द नॉर्मल इज मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हमें कितना गिवन है एंगल थीटा हम सपोज कर लेते हैं, ये दो चीज़ें आपको गिवन होंगी। तो अब हम डिराइव करेंगे कि इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर ध्यान देंगे तो इसको करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ से हम अपने आप ही एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, एक AM लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगी, इस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं AM परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, क्लियर है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ट्राइंगल आपका APM यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो OAM हमारा ट्राइंगल है OMA, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इस पर ध्यान दूँ तो इन ट्राइंगल OMA मुझे गिवन साइड क्या है OA, तो आपने 10th क्लास में हमें फाइंड आउट, अगर मुझे OM और AM निकालना है तो अगर मुझे पहले OM निकालना है तो क्या आपको बेसिक समझाया होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, जो चीज़ अननोन होती है उसको हम कहाँ रखते हैं ऊपर, और जो चीज़ नोन होती है उसे हम कहाँ रखते हैं नीचे। यहाँ पे नोन है OA की लेंथ, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमें गिवन है OA, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, अननोन अपॉन नोन रखते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के आए हो क्लास 10th में। अब मैं देखती हूँ कि ये क्या है, ये मेरा जिस साइड का एंगल होता है और 90 डिग्री होता है वो साइड हमेशा क्या होती है बेस, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या है हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं देखूँ तो OM मेरा क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा। इस तरह से अगर OM की जगह मुझे अभी AM निकालना है क्योंकि ये भी मेरे लिए अननोन है, AM अपॉन नोन क्या है OA, तो इस साइड पे ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन रहा है, देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से OM अपॉन OA की जो लेंथ है, OA की लेंथ मुझे P गिवन है, तो ये P इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ से AM अपॉन P इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से OM की वैल्यू आ जाएगी P कॉस थीटा और AM की वैल्यू आ जाएगी P साइन थीटा।
तो आई होप ये तो समझ आ गया है। अब आपको पता चल जाएगा कि हमने ये चीज़ें क्यों फाइंड आउट की है, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। ध्यान से देखिए तो मेरे पास यहाँ से कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। OM क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है तो ए से यहाँ से हमारा ये पॉइंट स्ट्रेट जा रहा है। इट मीन्स ये देखिए ध्यान से, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, पी कॉस थीटा। इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ये सारा कुछ हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इसलिए निकाला है, सिर्फ इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब हमारे पास इस लाइन का एक पॉइंट आ चुका है जहाँ से ये लाइन पास कर रही है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, या तो इस लाइन का स्लोप गिवन हो, एक पॉइंट तो हमें मिल चुका है। ध्यान से सोचिए, अभी हमने सारे केसेस डिस्कस किए हैं, इसमें मेनली दो चीज़ें आपको, दो कंडीशंस होनी चाहिए, दोनों में से एक भी फुलफिल होती है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। ध्यान से सुनिए, या तो एक लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही हो वो गिवन हो और उस लाइन का स्लोप गिवन हो, या फिर कोई दो पॉइंट्स गिवन हो जहाँ से वो लाइन पास कर रही है। यहाँ पे मुझे कोई दूसरा पॉइंट तो मैं नहीं फाइंड आउट कर सकती कि ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, तो मैं स्लोप के बारे में सोचूंगी कि इस लाइन का मैं स्लोप कैसे निकाल सकती हूँ। तो ध्यान से सोचिए, अगर मैं OA का स्लोप निकालूँ, यहाँ से स्लोप ऑफ OA, स्लोप ऑफ OA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1। O पॉइंट क्या है, ओरिजन है 0 0, तो यहाँ पे y2 क्या है, p साइन थीटा -0 / p cos θ - 0। ये आ जाएगा p साइन थीटा -0 / p cos θ - 0। p से p कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, tan थीटा। मैंने अगर इस लाइन का स्लोप निकाल लिया तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और आपने एक्सरसाइज 10.1 में इंट्रोडक्शन नहीं देखी तो आप देख सकते हो। अगेन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट आई डिस्क्रिप्शन, यू कैन गेट द लिंक ओवर देयर फॉर द बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 10.1। उसमें हमने समझा है कि यहाँ पे जब भी हमारी लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। मतलब अगर मैं यहाँ से निकालूँ स्लोप ऑफ OA मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ L लाइन इज इक्वल टू -1। OA क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन L के ऊपर। इट मीन्स स्लोप ऑफ OA मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है। दो लाइंस जब भी परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता है। अभी अभी आपने स्लोप ऑफ OA निकाला, वो निकाला है tan थीटा। तो tan थीटा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, -1 / tan थीटा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगा हमारे पास -1 / tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे साइन अपॉन कॉस डालोगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स ये इसकी आ चुकी है स्लोप। क्लियर है, स्लोप आ गया है, पॉइंट आ गया है, तो अब तो आइडिया आ गया होगा कि आपको इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L कहाँ से पास कर रही है, पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास कर रही है, A पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट भी हम निकाल चुके हैं, P cos थीटा कॉमा P sin थीटा, एंड उसका स्लोप क्या है, स्लोप इसका हमें अभी निकाला है, -cos θ / sin θ। ये क्वेश्चन इसलिए डेरिवेशन इतनी लेंथी हो गई क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो हमें लाइन के लिए एक पॉइंट गिवन था किस पॉइंट से पास कर रहा है, ना ही उसकी स्लोप गिवन थी, तो उस सारों के लिए हमने ये काम किया है। तो ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज़ है। अब हमारे पास सारी डेरिवेशन आ चुकी है, अब आपने बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = m (x - x1). तो अभी हम y1 x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 y1 वो पॉइंट होता है जहाँ से लाइन पास करती है, ये x1 है और ये y1 है। तो y1 की वैल्यू यहाँ p sin थीटा है, m की जगह डाल देंगे -cos θ / sin θ x - x1 की वैल्यू क्या है, p cos थीटा।
क्लियर है। अब बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, वाई साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, पी साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मैंने ओपन कर दिया, माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स कितना आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने एक्स और वाई वाले इकट्ठे ले लेने हैं, ये वाले टर्म एक्स में, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और वाई वाले टर्म मेरी ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है इज इक्वल टू, ये वाली टर्म नेगेटिव है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मेरा पी कॉस के थीटा यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है। नेक्स्ट स्टेप में पता है आपको, इन दोनों टर्म में से पी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सबको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। सो यहाँ से एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा डिराइव हो चुका है पी, ये हमारी होती है नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जब भी मुझे इक्वेशन में पी यूनिट्स दे रखा है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है ओरिजिन से, टू यूनिट मान के चलते हैं, पी हमें दे रखा है टू यूनिट्स, और ये जो नॉर्मल है वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, पी की जगह आप पी की वैल्यू टू डाल देंगे और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ समझने वाली चीज़ ये है कि इसकी डेरिवेशन कहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन दैट आई हैव डिस्कस टूडे इन दिस लेक्चर। आप सब सारी इंपॉर्टेंट, हमने 7 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लो फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड द लास्ट वन इज नॉर्मल फॉर्म। तो ये सारी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 10.2 का करने से पहले आपको ये सारे फॉर्म्स के बारे में अच्छे से बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड, एंड यू हैव, इफ यू हैव लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस exercise 10.2 questions, so please watch this video first of all and try to understand the basics. After that, in the next video we will discuss exercise 10.2 also. Thank you so much for watching Alisha Math Classes.